नमस्कार, एजुकेशन मित्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं त्रिलोक और आप देख रहे हैं एजुकेशन मित्रा। आज के करंट अफेयर्स के साथ हम शुरू कर रहे हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में इन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर पदभार ग्रहण किया है, तो इसका सही जवाब है सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा को आज मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो होता है। दूसरी बात, मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन मान 2.5 लाख रुपए मंथली होता है। सुनील अरोड़ा राजस्थान कैडर के आईएएस हैं और ओम प्रकाश रावत की जगह इन्हें बनाया गया है मुख्य चुनाव आयुक्त। 2 दिसंबर 2018 को इन्होंने आज के दिन कार्यभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, G20 की मेज़बानी 2022 में कौन सा देश करेगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब है भारत, यानी G20 की मेज़बानी हमारा देश भारत है वो 2022 में करेगा। ये मेज़बानी पहले इटली करने वाला था, लेकिन भारत के कहने पर इटली ने मेज़बानी का त्याग कर दिया और अब ये मेज़बानी भारत को मिल गई है। और ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 75 सालों में देश की आज़ादी के बाद अब तक भारत ने G20 की मेज़बानी नहीं की है। तीसरा प्रश्न है, मकाऊ ओपन में रजत चौहान ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत चौहान राजस्थान से बिलोंग करते हैं। इन्होंने आज सिल्वर मेडल जीता है तीरंदाजी के अंदर। रजत चौहान राजस्थान के तीरंदाज और भारत की ओर से खेलते हुए इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन से देश में भूकंप आया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है अमेरिका। अमेरिका के अलास्का के अंदर अभी भूकंप आया है और बहुत ज़्यादा त्रासदी हुई है। अगला प्रश्न है, भारत के गणतंत्र दिवस परेड 2019 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो इसका सही जवाब है सिरिल रामफोसा है वो अगले जो 26 जनवरी 2019 हैं उसके मुख्य अतिथि होंगे। सिरिल रामफोसा है वो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं और ये भारत के मुख्य अतिथि होंगे